वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप गाइस आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो हम आए हैं वीर जी मलाई चाप वाले पे। तो यहाँ पे आपको मिलती है सनी लियोनी चाप, जिनके लिए स्पेशल फेमस है बेबी डोल चाप, ठीक है जी, मियाँ खलीफा चाप और अफगानी चाप, इन सब के लिए काफ़ी फेमस है। ये इनका काउंटर है और यहाँ देख सकते हैं आप इनका तंदूर। तो ये इनका हाइजेनिक तंदूर है, आपने देखा होगा काफ़ी हाइजेनिक तरीके से इन्होंने इसको मेक किया हुआ है, बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। और सामने आ जाता है इनका वीर जी मलाई चाप का ये काउंटर। यहाँ पे जो है अंदर से पूरी मेकिंग होने के बाद यहाँ पे पूरा चाप वगैरह का प्रोसेस कंप्लीट किया जाता है, तो वो कस्टमर को दिया जाता है। आप देख सकते हैं इसका पूरा का पूरा कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है ये। और इनका तंदूर का एक बार मैं आपको और दिखा दूँ, कितने अच्छे तरीके से इनका ना तंदूर है, तंदूर में सब पका हुआ है। और ये आप देख सकते हैं ये क्या बना है भैया, तंदूरी मोमोज। ये तंदूरी मोमोज दिखाना भैया एक बार, ये आप देख सकते हैं तंदूरी मोमोज कितने ज़्यादा क्रिस्पी और अच्छे लग रहे हैं। सो ये आप देख सकते हैं आप कितना अच्छा खूबसूरत तंदूर में जो है चाप पकती हुई, कितनी अच्छी और खूबसूरत लग रही है तंदूर में चाप पकती हुई। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ इस तरीके से तंदूर में चाप पकती है यहाँ पे, इस तरीके से यहाँ पे आ जाती है। और ये भैया पैकिंग करते हुए इस तरह से पूरा का पूरा पैक होता है, आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं अभी ये बन रहा है पंजाबी टिक्का। एक फुल मलाई डाल। तो पंजाबी टिक्के की प्रिपरेशन चलती हुई आप देख सकते हैं इतने खूबसूरत तरीके से। और ये टक टक, इसके तो आप जानते हैं टक टक कितना मशहूर है। बहुत ही अच्छा और खूबसूरत और लजीज बन रहा है, आप देख सकते हैं सामने कितने खूबसूरत लगे हुए हैं ये लोग, भी देख सकते हैं कितने खूबसूरत खड़े हुए हैं यहाँ पे। और ये प्रिपरेशन होती हुई, और ये आ गया बटर, बटर डलता हुआ, और बटर के बाद अब ये आ गया इसमें बहुत ही बढ़िया, और फिर आ गया आपका क्रीम, अमूल क्रीम, क्रीम डली, ये नींबू डाल दिया भैया ने, आप देख सकते हैं नींबू डालने के बाद बस खूबसूरत है, बहुत ही अच्छा मेकिंग चल रहा है। वाओ, ये आप देख सकते हैं ये रेडी हो चुका है, एक सेकंड। आइए करते हैं इनकी किचन का टूर। सो देखते हैं इनकी किचन, आप देख सकते हैं ये किचन है इनकी, काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से यहाँ पे काम चल रहा है। और ये भैया है इनके शेफ़ हैं, ये काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे काम कर रहे हैं। और ये इनका आपका फ्रिज आ गया, ये आप देख सकते हैं कितना हाइजीनिक प्रोसेस है, ये नहीं है कि ऐसे ही है नॉर्मल, पूरा धुआँ जो भी होता है वो सब बाहर निकल जाता है काफ़ी अच्छे तरीके से। सो अब आप देखने जा रहे हैं वेज बटर चिकन की प्रिपरेशन। तो बटर चिकन के नाम से घबराइएगा मत, ये टोटल वेज होता है। और ये आ गया ग्रेवी, ये भैया ने ग्रेवी डाल दिया, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, देखिए कितना ज़्यादा हाइजीनिक प्रोसेस है। वाह, और ये ग्रेवी घूमता हुआ पूरा, और अब इसमें मसाले वगैरह डालेंगे। अच्छे तरीके से ग्रेवी भैया बना रहे हैं, नमक डाल दिया भैया, अच्छा मिर्च आ गया भैया, हम डालेंगे कसूरी मेथी, अच्छा कसूरी मेथी, तो आप देख सकते हैं कसूरी मेथी आ गई आपकी, ऐड करेंगे क्रीम, अच्छा फिर ये आपका क्रीम आ गया, वाओ ये आपका बटर आ गया। सो आप देख सकते हैं ये चाप की कटिंग हो रही है,
तो आप ये देख सकते हैं चाप की कटिंग हो रही है, किस तरीके से चाप कट हो रहा है, बिल्कुल एक अलग ही तरीके से ये कट कर रहे हैं चाप को। अरे जाएगा अब सीधा उधर, तो अब ये चलते हुए हम भैया के पीछे पीछे, और ये गया सीधा यहाँ पे। बहुत ही अच्छा प्रोसेस देख रहे हैं आप इसे अभी भैया बनाते हुए। वाह, बहुत ही अच्छा और खूबसूरत है ये आ गया इनका। और ये इसमें डालते हुए बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत तरीके से बना रहे हैं, काम कर रहे हैं। और ये गया, वाओ लजीज एक तरीका है इनका। ये गार्निशिंग कर दी इन्होंने इसकी बहुत ही खूबसूरत तरीके से। सो अब ये बनते हुए तंदूरी मोमोज, तो आप देख सकते हैं किस किस तरीके से ये तंदूरी मोमोज बनते हुए। ये भैया इसमें जाते हैं सीख के अंदर। अच्छा, ये सीख के अंदर इस तरीके से पहना दिए जाते हैं कपड़े से इनके, और फिर तंदूरी मोमोज जो हैं वो इस तरीके से आप प्रिपरेशन होती हैं, इस तरीके से इन्हें तैयार किया जाता है। हाँ, तो ये तंदूरी मोमोज हैं इसमें। हाँ, ये इसमें डिप कर दिया इन्होंने भैया ने, और डिप करने के बाद और ये गया इसके अंदर और ये गया वहाँ पे। सो आप देख सकते हैं किस तरीके से डिप किया, फिर इसके अंदर गया और ये पहना दिया इसको कपड़े की तरह। तो आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है यहाँ पे। फिर उन्होंने डिप किया, फिर इसके अंदर गया, पैकिंग हुआ, फिर वहाँ पे गया, फिर उन्होंने डिप किया, फिर इसके अंदर गया, फिर ये वहाँ पे गया। तो ये इस तरीके से इनका प्रोसेस जो है पूरा का पूरा चलता रहता है। तो ये पूरा कंप्लीट करते हैं और ये पूरा का पूरा सीख जो है इसको भर लेंगे भैया। हाँ भैया, पूरा कंप्लीट कर लोगे? तो आप प्याज वगैरह और ये आपका शिमला मिर्च वगैरह किस तरीके से आप देख सकते हैं खूबसूरत तरीके से इसमें लग रहे हैं। ये कंप्लीट हो गया भैया? कंप्लीट हो गया। आप देखिए मलाई मोमोज की प्रिपरेशन, मलाई मोमोज किस तरीके से बनते हैं। जो आप टेस्टी टेस्टी मलाई मोमोज खाते हैं आप उन्हें देखिए ना वो किस तरीके से बनते हैं। तो भैया ये मोमोज पहले चले गए इसके अंदर, तो इसके अंदर ये भैया ने मोमोज डाल दिए और ये फिर इस सीख का अंदर गया। वाओ, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से भैया प्रिपरेशन कर रहे हैं पूरी की पूरी। और ये भैया ने तो इसको पूरा कपड़ा पहना दिया और पूरे मलाई वलाई एकदम अच्छी तरीके से भैया ने बना रखी है, इसमें लगा रखी है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से। भैया भी खूबसूरत ही लग रहे हैं और बना भी खूबसूरत तरीके से रहे हैं। आप देख सकते हैं पूरा इन्होंने तैयार कर दिया, आप देख सकते हैं। भैया एक बार दिखा देना ज़रा, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल नज़दीक से कितना अच्छा और खूबसूरत लग रहा है ये। तो अब ये जा रहा है सीधा तंदूर में, अब ये तंदूर में जाएगा और तंदूर में जाके पकेगा। देख रहे हैं तंदूरी मोमोज की प्रिपरेशन भैया बनाना। तो ये किस तरीके से तंदूरी मोमोज बनते हैं, ये पहले आ गया, आप देख सकते हैं किस तरीके से बनते हैं, किस तरीके से भैया काट रहे हैं प्याज वगैरह सब अच्छे तरीके से, बहुत ही खूबसूरत तरीके से बन रहे हैं। और ये इसके अंदर आ गया आपका बटर, बटर के बाद आ गया ये चटनी। ये भैया ने बोला कि ये कौन सी वाली चटनी थी भैया? मिर्ची, मिर्च वाली चटनी, जिससे आपका मिर्च और तीखा तीखापन आपको महसूस होता है। ये भैया ने डाला है इसमें अमूल क्रीम। सो आप देख सकते हैं क्रीम, क्रीमी लुक क्रीमी लुक जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो ये आपका क्रीम आ गया, कितना खूबसूरत लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। ये आ गया डब्बा और इस डब्बे के अंदर अब सीधा गया ये प्रिपरेशन होती हुई इसकी।
कितना ज़्यादा बेहद लजीज और ख़ूबसूरत लग रहा है। आप देख सकते हैं सामने, और ये लगे हुए हैं इनके, और ये देख सकते हैं भैया यहाँ पे आपका पैक हो जाता है। ये कितने खूबसूरत तरीके से पैक करते हुए इसको, और बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ का माहौल। ये एरिया आपका गांधी कॉलोनी एरिया में आ जाता है, ये इनका काउंटर आ जाता है। सो अब हम टेस्ट करेंगे सनी लियोनी चा। सो नाम ही काफ़ी ज़्यादा सनी लियोनी, गूगल गूगल गूगल। तो ये देखिए, ये आ गया है हमारा सनी लियोनी चाप। तो देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, आप नज़दीक से देख सकते हैं सनी लियोनी चाप। लग भी सनी लियोनी जैसी रही है थोड़ी थोड़ी। तो देखते हैं इसकी टेस्टिंग करके कैसा रहता है। तो सबसे पहले इसके ऊपर नींबू छिड़क लेते हैं। तो थोड़ा 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 ये इसके ऊपर नींबू आ गया, और इससे थोड़ा थोड़ा खट्टा खट्टापन इसके अंदर आ जाएगा। और ये आपका आ गया सनी लियोनी चाप। तो देखते हैं सनी लियोनी चाप किस तरह की रहती है। ठहरो तो ठहरो, बताते हैं कैसी है भाई। सबसे पहले तो यह है कि एकदम तड़क बड़क, मतलब मिर्च विर्च जो होती है ना सॉलिड है, बटर का अच्छा कॉम्बिनेशन है, और जो प्याज वगैरह जो होती है उसका अच्छा एक अलग ही एक कॉम्बिनेशन आ रहा है, मज़ा है। और जो एक ओवरऑल एक जो एक पूरा बन के आ रहा है ना इनका वीर जी मलाई चाप वालों का, जो एक अलग ही इनका स्पेशल जो मसाला है उसका कॉम्बिनेशन की बात ही अलग है। और आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा टेस्टी और यूनिक दिख रहा है ना। तो इसका जो टेस्ट है ना, जो आप देख सकते हैं इस पर मसाला जो लगा हुआ है पूरा, उसका एक नशा ही अलग है, उसका एक मज़ा ही अलग है। सो 10/10 मार्क्स मिलते हैं इसको। तो वीडियो में बने रहिएगा, इंजॉय कीजिएगा, और आप यहाँ पे आइएगा। ये मुजफ्फरनगर गांधी कॉलोनी में है, इसका एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। टेस्ट बहुत अच्छा है। सो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और अपने भाइयों बहनों दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि बिना शेयर के बात बनेगी नहीं। और आपके भाई का चैनल है दोस्तों, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। भैया क्या नाम है, कौन से मोमोज है? ये तंदूरी मोमोज। ये आपके आ गए हैं तंदूरी मोमोज। सो आप देख सकते हैं कितना डिलीशियस लुक आ रहा है इनका तंदूरी मोमोज का। तो थोड़ा चेक करते हैं इन्हें, बताते हैं कि किस तरीका इन तंदूरी मोमोज का टेस्ट रहता है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा लुक आ रहा है इनका, वाह। सो ये आ गए हैं हमारे तंदूरी मोमोज। तो आप देख सकते हैं किस तरीके का इनका डिलीशियस लुक आ रहा है, और कितना ही खूबसूरत इनका लुक आ रहा है। चेक करते हैं, दिख रहा है, ज़्यादा बात हो गया। अब देखिए एकदम अलग तरीके का, एकदम अलग ही लुक आ रहा है, यम यमी टाइप का। बहुत ही बढ़िया टेस्ट में, यूनिक है, अलग ही टेस्ट है इनका, यूनिक टेस्ट है। और जो एक पूरा फ्लेवर बन के आ रहा है ना, घूम घूम के जो फ्लेवर बन के आ रहा है उसकी तो बात ही अलग है, यूनिक। तो चलिए तो खत्म कर लेते हैं, और मिलते हैं खत्म करने के बाद। सो अब आप देख रहे हैं ठीक सामने आ गए हैं जैपनीज मोमोज। वाओ क्या डिलीशियस लुक आ रहा है इनका, जैपनीज मोमोज। सो देखते हैं अब इनकी टेस्टिंग करके कैसे लगते हैं, कैसे इनका टेस्ट रहता है।
सो यहाँ पे आए हैं जैपनीज मोमोज। तो जैपनीज मोमोज मैंने आज तक कभी टेस्ट नहीं किया है, ना मैंने कभी आज तक जैपनीज मोमोज का नाम भी सुना है, ना मैंने कभी खाया। सो देखते हैं इनके जैपनीज मोमोज किस तरीके रहते हैं, किस टाइप के रहते हैं, क्या उसमें फ्लेवर रहते हैं। तो पूरा का पूरा बताता हूँ मैं, आप वीडियो में बने रहिएगा। आप देख सकते हैं आ गए हमारे जैपनीज मोमोज। तो कितना ज़्यादा लुक आ रहा है, मैंने उधर से इनको इधर मंगा लिया, मैंने कहा मेरे को इसमें दो, इसमें ज़्यादा अच्छा रहता है, बाकी जो बचेगा उसको पैक करा लेंगे। तो आइए इसकी टेस्टिंग करते हैं। तो ये आ गया चटनी के साथ, और इस पर हल्की सी डालते हैं प्याज। हाँ, टेस्ट करते हैं। सो ये आ गया हमारा जैपनीज मोमोज। तो देखते हैं इसका, आप देखिए नज़दीक से देखिए कितना अच्छा एक टेम्प्टिंग एक फ्लेवर आ रहा है, अजीब मतलब एकदम मस्त सा लग रहा है। तो देखते हैं इसको टेस्ट करके किस तरह का फ्लेवर आता है, किस तरह का लगता है। भाई थोड़ा सा बचा है, बम। इसका फ्लेवर बिल्कुल अलग फ्लेवर है, क्रिस्पीनेस इतनी ज्यादा मिलेगी ना आपको, बाबा खाते खाते थक जाओगे, लेकिन ये मोमोज़ आप छोड़ोगे नहीं। और वीर जी मलाई चाप वालोगे, एकदम क्रिस्पीनेस है और एकदम दबा की, बहुत ही अच्छा टेस्ट है, फ्लेवर बहुत अच्छे हैं इसके अंदर के, जो फ्लेवर है वो पूरा अलग ही एक मिक्सअप बोल आ रहा है। म्योनीज आ जाती है आपकी, चटनी आ जाती है आपकी, भी आ जाती है। ये यहाँ के ओनर है। तो भैया कैसा लगा आपको हमारे साथ काम करके? बहुत बढ़िया। तो मतलब बढ़िया ही लगा या और कुछ भी लगा? अच्छा लगा, आपका कॉन्सेप्ट अलग है काम करने का। भैया ने बोला कि हमारा कॉन्सेप्ट अलग है काम करने का, और आई थिंक हमारा सबसे ही अलग है। सबसे ही अलग है, सबसे अलग है हमारा कॉन्सेप्ट। हमारा कॉन्सेप्ट बेसिकली ये है, इन्हें ग्रो करना, इनको ऑनलाइन लेके जाना, इनकी छाप ऑनलाइन लानी, और जब ये ग्रो हो जाएंगे तो 10-20 ग्रो हम भी हो ही जाएंगे साथ में। सब बहुत ही अच्छे लगे इनके जैपनीज मोमोज, आप देख सकते हैं किस तरीके के एकदम, आप देख रहे हैं ना इनका अलग ही एक लुक आ रहा है, अलग ही एक लुक आ रहा है, एकदम मस्त एकदम। सो मिलते हैं, देखते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपके भाई का चैनल है। तो भैया कैसा लगा आपका यहाँ पे खाना? बहुत बढ़िया, बढ़िया एक्सपीरियंस है। सो आपने यहाँ पे क्या क्या टेस्ट किया हुआ है? ज़्यादातर मैंने सारी आइटम ही टेस्ट करी हुई इनकी। तो मतलब आपने लमसम सारी चीज़ें टेस्ट की हुई हैं लमसम। तो आपका सनी लियोनी चाप कैसा लगा इनका? बहुत बढ़िया, अच्छा है, डिफरेंट टेस्ट है, डिफरेंट टेस्ट है। तो सनी लियोनी चाप का सुनने में काफ़ी आ रहा है कि काफ़ी डिफरेंट टेस्ट है इनका, और मतलब क्या आपको रेट में क्या लगा इनका, रेट कैसे हैं? रेट जेन्युइन है बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि रेट भी काफ़ी जेन्युइन है इनके, और बहुत ही अच्छे रेट्स ये दे रहे हैं। तो कस्टमर को यहाँ विजिट करना चाहिए मुजफ्फरनगर के लोगों को? बिल्कुल जी बिल्कुल, अलग डिफरेंट आइटम है कुछ। अच्छा, काफ़ी डिफरेंट आइटम है भैया का बोलने का, और जरूर विजिट करना चाहिए। तो भैया प्योर वेज है? यस, प्योर वेज है। तो देखिए हमने कस्टमर से भी पूछ लिया है, कस्टमर भी बोल रहे हैं कि हाँ ये प्योर वेज है। सो अब मिलते हैं वीर जी मलाई चाप के ओनर से। सो सर आप अपना नाम बताइए प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को। पारितोष गुप्ता। सो सर जी का नाम पारितोष गुप्ता है। तो सर जी से पूछते हैं कि उन्होंने यहाँ पे वीरजी मलाई चाप की शुरुआत कब की है और किस तरह से की है? हमने यहाँ पे वीरजी मलाई चाप की फ्रेंचाइजी 5 सितंबर 2019 को स्टार्ट किया था, और अभी इसको रिसेंटली एक साल कंप्लीट हुआ है, और बहुत अच्छा रिस्पांस हमें मिल रहा है इसमें यहाँ पर, और काफ़ी लोगों का हमें प्यार मिल रहा है, पूरे शहर से लोग हमारे पास आ रहे हैं, और जैसा कि हम लोगों का नाम है और हम लोगों का टेस्ट है वो अल्टीमेट है। जितने लोगों ने अभी तक खाया है मोस्ट ऑफ द पीपल जो हैं उन्होंने यही बोला है कि ऐसा टेस्ट हमने यहाँ पूरे शहर में नहीं खाया है।
तो वीर जी मलाई चाप की फ्रेंचाइजी ली है, ये काफ़ी सारी फ्रेंचाइजी इस समय ऑल ओवर इंडिया चल रही हैं जिसमें हमारी फ्रेंचाइजी काफ़ी हद तक काफ़ी ऊपर है उसमें हम लोगों की। सो आपने देखा कि इनकी फ्रेंचाइजी जो है काफ़ी ज़्यादा ऊपर है ऑल ओवर इंडिया में, तो काफ़ी अच्छा इनका रेस्पॉन्स जो है रहा है। सो आपका मतलब प्राइस पॉइंट क्या है सर? इसकी क्वालिटी और इसकी जो वैरायटी और जो इसका नाम है वो अल्टीमेट है अपने आप में। जैसे हमारे पास मलाई चाप है वो अल्टीमेट है, हमारे पास सनी लियोनी चाप है एक जिसमें लोग नाम से भी खाते हैं और टेस्ट तो उसका अल्टीमेट है ही है। इसके अलावा पंजाबी चाप स्पाइसी और हमारी ग्रेवी चाप जो है वो सो डिलीशियस, बहुत बढ़िया है। तो हम जानना चाहेंगे वो किस किस रेट में मिलते हैं आपके यहाँ पर? तो हमारी सभी चीज़ों का हमारा रेट सेम है, जो हमारी जितनी भी ग्रेवी चाप हैं उन सबका रेट सेम है। 250 हम केवल 250 रुपये में फुल प्लेट दे रहे हैं उसका, और जो हमारी तंदूरी चाप है वो सब 180 में हम फुल प्लेट देते हैं और 110 में हाफ प्लेट देते हैं। तो सर जी ने बोला कि ऑलमोस्ट सबका रेट जो है सेम ही है और अच्छा रेट है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ का रेट है। आप देख सकते हैं सामने ये वीर जी मलाई चाप के एक कार्यकर्ता हैं। सो भैया यहाँ कब से काम कर रहे हैं? एक साल से काम कर रहे हैं। और आप भैया कब से काम कर रहे हैं? ओपन जब से एक साल से। एक साल से कहाँ से हैं आप? जी, मैं बिहार से हूँ। अच्छा, आप बिहार से हैं। और आप यहाँ कब से काम कर रहे हैं? एक महीने से काम कर रहे हैं। तो कैसा लगा आपको यहाँ पे काम करके? अच्छा लगा, बढ़िया लगा। भैया का बिहेवियर भी अच्छा है। चलिए भैया, थैंक यू भैया। तो आप कब से काम कर रहे हैं भैया यहाँ पे? भैया यहाँ पे एक साल से हम काम कर रहे हैं। एक साल से। और आप भैया? अच्छा, ये आज ही आई है भैया, नए रिक्रूट है। आप कब से काम कर रहे हैं? एक साल से। तो भैया कैसा लगा आपको यहाँ पे काम करके भैया के साथ? बहुत बढ़िया लगा भैया। तो सैलरी वैलरी टाइम पे मिल जाती है? जी बिल्कुल। नेचर कैसा है भैया का? सो आप देख सकते हैं कि यहाँ के जो एम्प्लॉइज हैं, कार्यकर्ता हैं, वो भी अच्छा रिव्यू दे रहे हैं।